गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं लेके आया आपके लिए प्यारा सा ब्लॉग, तो ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत अच्छा होने वाला है आज का ब्लॉग, बहुत मस्ती होने वाली है, तो पूरा देखो ब्लॉग। गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे, तो बने रहिए गाइस ब्लॉग के साथ में। अपना ये दरगाह में पौधे कवर सुख रहे, इधर पौधे पौधे और ये झंडा लगाया, कितना अच्छा नहीं इंडिया का है। उधर मेरे दो पौधे उड़ा रहे, देखो गाइस मैं दो पौधे उड़ा रहे, दिखा आपको। अच्छा गाइस, अभी बज चुके हैं 10 और हमारे घर आए अतिथि। अतिथि का मतलब आप समझते हैं, हमारे घर भगवान आए हुए हैं और अभी नाश्ता पानी कर रहे हैं। और हमारे गांव में ये मेरे भैया है, ये भाई है, ये भी भाई है और ये भगवान है। तो बने रहिए गाइस ब्लॉग में। गाइस हमने तो पहले नाश्ता कर लिया था, कहने का मतलब मैंने नहीं, मेरा तो फास्ट आज मंगलवार का। और मम्मी और ये दोनों नाश्ता कर रहे हैं और बाहर बैठा है। और बने रहिए गाइस ब्लॉग में। और कैसे हो, सब अच्छे हो? तो दबा के कमेंट क्या करो यार गाइस। अभी देखते हैं आज कहाँ जाते हैं, कहाँ जाएंगे आज? कोटा। तो बने रहिएगा ब्लॉग। स्टार्ट। हेलो गाइस, तो कहाँ जा रहे हो आप? बोला था सुबह कोटा। तो गाइस ये मेरे को छोड़ के जा रहे हैं, देख लो। और ये भी मेरे को छोड़ के जा रहा है, स्कूल की कोटी करके जा रहा है गाइस। देखो ये दोनों जा रहे हैं, तो मैं इनको बिस्टेंट छोड़ने जा रहा हूँ। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में। इधर और ये देखो, इसके दीदी से मिल रहा है, ये दोनों को प्यार आ रहा है, देखो मस्ती कर रहे हैं। गन्नू इधर आ, इधर। ओए गन्नू, कैसा लगा दीदी से मिलके? बुरा? तो है ना, इसको बताया नहीं था, गन्नू का सरप्राइज था, ऐसा नहीं था गाइस। हमने बता दिया था, लेकिन गन्नू ने हमें बोला था कि दीदी को मत बताना कि मैं आ रहा हूँ, है ना। तो इसने सरप्राइज दिया था, हमने तो बता दिया, इसने नहीं बताया, आप समझ सकते हो। क्योंकि इसने क्या किया, इसके जीजू को फोन करके और बोला ये जीजू दीदी को मत बताना, है ना। लेकिन दीदी को मैंने फोन करके पहले बता दिया था, नहीं बताया। उल्लू बना रही हूँ मैं, सरप्राइज दिया था, सरप्राइज। रोटी तो बनाओ। अब गन्नू बनाएगा रोटी, अब गन्नू रोटी सब्जी बनाएगा, सारे काम कौन करेगा? दीदी गन्नू दीदी दीदी दीदी। हाँ ठीक है ठीक है, देखते हैं कौन करता है अभी, कौन रोटी बनाती है। बना रही है अभी ये देखो रोटी, सीख गए रोटी बनाना। ये ना पहले क्या पता आता नहीं था, पर अब मैंने देख लिया, सीख गई है। और मैं बना रही हूँ इधर सब्जी, वो भी बैंगन की, बैंगन की सब्जी से सुरेश जी की याद आ गई। क्योंकि सुरेश जी की फेवरेट है ये। इधर रोटी बना रही है, मैं सब्जी बना रही, ताकि जल्दी बन जाएगा, अभी टाइम भी नहीं लगेगा, टाइम की बचत है ना। और गन्नू और इधर बाहर गए, तो देखते हैं कब आते हो। ओ काम कर, बस सीखी तू? नहीं अब सीखूंगा। अब सीखेंगे मेरे लिए कुछ भी लेके नहीं आया, बस मिठाई का खाली डिब्बा लेके आई। मिठाई का भरा हुआ डिब्बा लेके आई थी, खा लिया। एक नहीं था, झूठ में तो बोल, तेरे आया था इससे में। वो तो क्या कर सकते हैं गाइस, वो तो गाइस मैं खरीद के ले लेती, घर पे पड़ा था। गन्नू बोला मैं दीदी के लिए लेके चलेंगे, और यहाँ पे इसको बोल रही हूँ भाई मिठाई लेने चले कुछ खरीद, तो ये क्या बोल रही, वो तो अच्छी नहीं मिलती, देवली की अच्छी मिलती है, बताओ। नहीं, नहीं,
ठीक है, सुबह दिलाएंगे इसको जो चाहिए, क्योंकि यहीं पे मिलता है सब, वहां से लाने की क्या जरूरत है। वजन फिर गन्नू था मेरे साथ भी, एक था कपड़ों का, फिर ज्यादा हो जाता ना, इसलिए नहीं लेके आई मैं कुछ। अब दिलाएंगे इसको, कल ब्लॉग में दिखाएंगे आपको।